1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, देश के सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, उस समय वर्तमान उस समय की सरकार ने यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया था, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़ दिया था, सोशलिस्ट और सेकुलर, उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज इस पर सुनवाई हुई है, हमने पूरा इसका डिटेल ब्यौरा दिया है कि क्यों जरूरी है भारत के संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को निकालना। संविधान सभा में तीन बार यह प्रस्ताव आया कि प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा जाए, और संविधान निर्माताओं ने तीनों बार उस पर पूरी चर्चा किया और चर्चा करके रिजेक्ट कर दिया। जो पहली बार प्रियम्बल पर चर्चा हुई है वो 8 अगस्त 1946 को हुई है, जबकि संविधान सभा बनी नहीं थी, उसके पहले ही एक प्रस्ताव पर बन गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसके बाद 13 दिसंबर 14 दिसंबर 15 दिसंबर 16 दिसंबर 17 18 और 19 दिसंबर लगातार एक सप्ताह प्रियम्बल के ऊपर चर्चा होती है भारत के संसद में। फिर दोबारा फिर से कंक्लूड नहीं हो पाता, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है, इसलिए 20, 21 और 22 नवंबर 1947 को फिर से प्रियम्बल के ऊपर चर्चा होती है। तीन दिन चर्चा करने के बाद फिर संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल को फाइनलाइज कर दिया, और उस प्रियम्बल में न सोशलिस्ट शब्द था न सेकुलर शब्द था। बाद में 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया, उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा जाए, वो रिजेक्ट हो गया। दोबारा 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने एक बार फिर से ट्राई किया कि नहीं, सेकुलर शब्द जोड़ा जाना चाहिए, फिर संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया। 6 दिसंबर 1948 को फिर एक प्रस्ताव आया, उस पर फिर से चर्चा हुई, पंडित लोकनाथ मिश्रा और एचवी कामत साहब ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहा ये जो सेकुलरिज्म है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको संविधान में बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर देगा। दोबारा 17 दिसंबर 1949 को फिर से एक बार चर्चा हुई और संविधान का प्रियम्बल एडॉप्ट कर लिया गया, वो प्रियम्बल जो 1976 तक भारत के संविधान में था, यानी न उसमें सोशलिस्ट शब्द था, न उसमें सेकुलर शब्द था, न सोशलिस्ट शब्द था। बाद में 1971 में इंदिरा गांधी जी को 352 सीट मिली, लेकिन रायबरेली से वो चुनाव हार गई। राजनारायण जी ने उनके इलेक्शन को चैलेंज किया और 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया, उनको ये कहा कि आपकी जो संसद की सदस्यता है उसको खारिज किया जाता है। इंदिरा जी आई सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता तो बहाल किया, लेकिन टर्म्स कंडीशन ये रख दिया कि न तो आप वेतन लेंगी, न तो आप अपने ऑफिस में जाएंगी, यानी इंदिरा गांधी जी को ये कहा कि आप सांसद तो बनी रहेंगी लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जाएंगी, कोई जरूरी फाइल पे साइन नहीं करेंगी, कोई नियम कानून नहीं बनाएंगी, ना आप वेतन लेंगी। ये सारी कंडीशन लगाने के बाद उनकी सदस्यता बरकरार रखी, और उसी में गुस्से में आके 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सारी टर्म्स कंडीशन लगाई और अगले दिन 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले केजरीवाल जी को जमानत देते समय भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्म्स कंडीशन लगाई थी, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर जब ये टर्म्स कंडीशन लगाई गई तो इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा देने की बजाय भारत में इमरजेंसी घोल लगा दिया, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया, और पूरे देश में पुलिस ने पूरी तरीके से जो आदमी विरोध कर रहा था उसको जेल में डालना शुरू किया। उसके बाद 18 मार्च 76 को लोकसभा का 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा है कि जब 18 मार्च 76 को लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया और लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, यानी विल ऑफ द पीपल मार्च 76 में खत्म हो गया, तो फिर ये बाद में दिसंबर में सेकुलर शब्द जोड़ा किसने? संविधान में संशोधन के 2-3 तरीके होते हैं। एक संविधान का संशोधन होता है सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन ये जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो सिंपल मेजोरिटी से भी नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उस समय कोई अपोजिशन था ही नहीं, केवल और केवल कांग्रेस के ही सांसद संसद में थे, विपक्ष के नेता तो कोई थे नहीं, या तो जेल में थे या अंडरग्राउंड हो चुके थे या विदेश भाग चुके थे।
तो फिर इस पर चर्चा कैसे हुई? दूसरा, मैंने कहा है कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, दो तिहाई बहुमत राज्यसभा में चाहिए होता है, और 50% विधानसभाओं से भी उसको अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे जब जीएसटी का अमेंडमेंट आया तो जीएसटी का अमेंडमेंट में दो तिहाई बहुमत राज्यसभा में पास किया, दो तिहाई बहुमत से लोकसभा में पास किया, और भारत के 50% राज्यों ने भी उसको पास किया। जबकि संविधान के प्रियम्बल को बदलते समय न तो राज्यों ने इस पर अपना कंसेंट दिया, न राज्यों ने मुहर लगाई, न उस समय कोई अपोजिशन था, सारे लोग जेल में थे। इसलिए ये जो संशोधन किया गया है प्रियम्बल में, और वो भी उस शब्द को डाला गया, सेकुलर शब्द को, जिसको संविधान सभा ने 3 बार पहले रिजेक्ट कर दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कर दिया था इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर उसको जोड़ने की क्या जरूरत थी। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि अभी 26 जून 2024 को, अभी रिसेंटली संसद में बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ है, इस साल 26 जून को जबकि इमरजेंसी का 50 वर्ष पूरा हुआ, तो लोकसभा में प्रस्ताव पास करके जो इमरजेंसी थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जब इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई तो इमरजेंसी के द्वारा जो कुछ नियम कानून बनाए गए वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। जब पूरा का पूरा जो टेन्योर था इमरजेंसी का, जब वही असंवैधानिक हो गया, वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो उस समय जो नियम कानून बने गए, जो प्रियम्बल में संशोधन हुआ, वो भी असंवैधानिक है। दूसरा, मार्च 76 में टेन्योर पूरा हो चुका था लोकसभा का, मार्च 76 में लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, और ये जो प्रस्ताव आया ये तो 2 नवंबर 1976 को आया, यानी मार्च में टेन्योर पूरा हुआ और नवंबर में यह संविधान में संशोधन हुआ, लगभग 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद, उस समय विल ऑफ द पीपल था ही नहीं, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका था, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने संविधान को संशोधन कर दिया? मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि प्रियम्बल भारत के संविधान का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ी बात, प्रियम्बल पे बाकायदा डेट पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 की। 76 में इसमें संशोधन हुआ और डेट रखी गई है 1949 की, यानी 26 नवंबर 1949 की। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता कि बाकायदा डेट तक नहीं बदली और शब्द बदल दिया। इसलिए इसको, ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुना है, हमने अपनी पिटीशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल साहब को भी दे दिया है, सॉलिसिटर जनरल साहब को भी दे दिया है, और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगले माह यानी 18 नवंबर की डेट फिर फिक्स किया है, 18 नवंबर पे इस पे फिर सुनवाई होगी।